सुप्रभात अभिनंदन प्यारे बच्चों, आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इस 11वें पाठ के अंतर्गत एकता में शक्ति है इस नैतिक मूल्य के साथ इस कहानी को पढ़ा और समझा। आज की इस कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इसके प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक अभ्यास का अर्थ समझकर उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज समवायो ही दुर्जय नामक पाठ का अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य का प्रारंभ हम पहले प्रश्न प्रश्न उत्तरों से ही करते हैं। आप बड़े ध्यान से प्रत्येक प्रश्न का अर्थ समझेंगे और फिर उनका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? वृक्ष पर कौन रहती थी? उत्तर, वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर चटका चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया? वृक्षस्य अधः गजः आगतः, गजः केन शाखाम् अत्रोटयत्, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? गजः शुंडेन शाखाम् अत्रोटयत्, तो हाथी ने जो शाखा थी वो किसे तोड़ा, किस चीज़ से तोड़ी थी? अपनी सूंड से। तो हाथी ने शाखा को सूंड से तोड़ा। गजः शुंडेन शाखाम् अत्रोटयत्, काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, कठफोड़वा चिड़िया को किसके समीप लाया? तो कठफोड़वा किसके पास लेकर गया था? मक्खी के। तो आंसर हमारा जो उत्तर है वो क्या बनेगा? काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायाः समीपम अनयत, मक्षिकायाः मित्रम कह आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? कौन था? मक्खी का मित्र मेंढक था और उसका क्या नाम था? मेघनाद। तो हम दोनों चीज़ें इसमें लिखेंगे, मक्षिकायाः मित्रम मेघनाद नामक मंडूक कह आसीत। इसमें खाली हम अगर मंडूक लिख दें तो अब भी उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन पूरा लिख दें तो अच्छा रहेगा। मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत। अब रेखांकित पदों पर प्रश्न निर्माण। देखिए, जिस प्रकार हमने प्रश्न के उत्तर लिखे उसी प्रकार अब हमें बनाने हैं उत्तर के प्रश्न। तो वो हम कैसे बनाएंगे? रेखांकित अर्थात जिन शब्दों के नीचे रेखा है उन्हीं शब्दों के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं, जिससे उसका उत्तर उस रेखांकित शब्द के रूप में हमारे सामने हो। कालीन चटकायाः संतति जाता, समय के बाद चिड़िया के बच्चे हुए। अब रेखांकित शब्द है चटकायाः, तो इसी को हमें प्रश्न के रूप में लेना है। तो प्रश्न बनेगा कि किसके बच्चे हुए थे कुछ समय बाद? जी हाँ, तो चटकायाः के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा, चटकालेन कस्याः संतति जाता, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। दूसरा, चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला
भूमि पर गिर गया। रेखांकित शब्द नीडम। तो किसका घोंसला मतलब चटकाया, चिड़िया का क्या जो है वो भूमि पर गिरा, तो यहाँ शब्द आएगा किम। चटकाया किम भुवि अपतत। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो अब प्रश्न गजस्य के लिए बनेगा, कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। गजस्य की जगह आएगा कस्य। कस्य मतलब किसके वध से। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। कि कट फोड़वा चोंच से हाथी के आँखों को फोड़ेगा। रेखांकित चंचवा, तो उसके स्थान पर काष्ठकूट है। कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। सर्वप्रथम मंजूषा में लिखे हुए शब्दों के अर्थ को जानना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें समझे बिना हम उचित स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने। अब हमारी अगर हमें मंजूषा के शब्द ही नहीं पता कि उनका क्या अर्थ है तो हम कैसे जानेंगे। तो पहले मंजूषा के शब्द समझते हैं। करिष्यामि करूंगा, गमिष्यति जाऊंगा, अनयत लाया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटिष्यति फोड़ेगा, और त्रोट्यति तोड़ता है। तो अब पहली लाइन थी, पहली पंक्ति में, कि कट फोड़वे ने चोंच से गजस्य हाथी के नैनों को स्फोटिष्यति फोड़ेगा। कट फोड़वा चोंच से हाथी के नैनों को फोड़ेगा। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम्। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द। ऊपर से देखेंगे करिष्यामि करूंगा। त्रशार्थ गजह प्यास से प्यासा हाथी जलाशयम् जलाशय पर गमिष्यति जाएगा। गजह गर्ते पतिष्यति हाथी गड्ढे में पतिष्यति गिरेगा। काष्ठकूट है ताम मक्षिकाया समीपम। कटफोड़वा उसे मक्खी के समीप अनयत लाया। गजह शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। इस प्रकार यह रिक्त स्थान पूर्ण हुए। और अब हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ प्रश्नों की तरफ, जिनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे और इनके उत्तर लिखेंगे। जी हाँ, इन प्रश्नों के अंतर्गत हमें पूर्ण वाक्य में प्रश्न का उत्तर लिखना है। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत्। चटकायाः विलापं श्रुत्वा चिड़िया के विलाप को सुनकर, रोने को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूट है ताम अपृच्छत्। चिड़िया के विलाप को सुनकर कटफोड़वे ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थ विलपसी क्यों रोती हो। दूसरा प्रश्न, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट की बात सुनकर, चिड़िया
और काष्ठकूट अर्थात कठफोड़वे की वार्ता यानी कि बात को सुनकर मक्षिका मक्खी ने क्या कहा। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका एवदत्। मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रतम उपेत्य शीघ्रता से उसके पास जाकर यथोचितम करिष्यामः जो उचित होगा करेंगे। मेघनाद है, मक्षिकाम किम एवदत्। मेघनाथ ने मक्खी को क्या कहा। मेघनाथ है, मक्षिकाम एवदत्। यथा अहम कथयामि जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आगे चटका काष्ठकूटम किम एवदत। चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा। चटका काष्ठकूटम एवदत् दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट हाथी ने मेरी संतति को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। इस प्रकार इसके प्रश्नोत्तरों को भी आपने समझ लिया। अब यह धातु रूप आपको पूर्ण करने हैं। यह आपका गृह कार्य भी होगा और ये रिक्त स्थान भी आपको इसी प्रकार करने हैं कि अंतिम प्रश्न के अंतर्गत बालिका मधुरम गायंती। बालिका मधुर गाती है, तो कितनी बालिकाएं हैं हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर आएगा एका, क्योंकि लड़की के लिए है, एका बालिका। फिर दूसरे में कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, तो कितने कृषक हैं। चत्वार है, यहाँ पर चत्वार है क्यों आएगा, क्योंकि चतस्रे ज़्यादा हो जाएगा, कुर्वन्ति चत्वारी नहीं, चत्वार है। पत्राणि सुंदराणि संति तानी पत्राणि। धेन वह दुग्धम ददति। वयम संस्कृतम अपठाम। इस प्रकार अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर, अनुवाद, शब्दार्थ और सार के साथ हमने इस पाठ का कार्य पूर्ण किया। अब आपको यह सभी कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में बड़े सुंदर और साफ तरीके से करना है। जो तरीका आपको बताया गया है उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे और जांच के लिए मुझे भेजेंगे। गृह कार्य के लिए जो अभ्यास आपको दिया गया है वह आप पुस्तक में ही कर लेंगे और अन्य सभी कार्य आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में करेंगे। इस प्रकार पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः यहीं हम समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।